नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर, आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज। मैनपुरी में भी शिक्षा संघ ने तीसरे चरण में पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर करीब 450 अध्यापकों ने गिरफ्तारी देकर अपने आंदोलन को सफल बनाने की बात कही। आपको बता दें कि शिक्षा संघ द्वारा जेल भरो आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी में भी शिक्षा संघ ने आज तीसरे चरण में पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में गिरफ्तारी के लिए पहुंचकर करीब 450 अध्यापकों ने गिरफ्तारी देकर अपने आंदोलन को सफल बनाने की बात कही। वहीं शिक्षक संघ ने जेल भरो आंदोलन में आए शिक्षकों का कहना था कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में अपनी गिरफ्तारी दी है, और गिरफ्तारी देते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार ने उनकी बात की सुनवाई नहीं की तो वह लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे, साथ ही लखनऊ ही नहीं दिल्ली तक जाएंगे, और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनी तो हम 18 फरवरी को लखनऊ में जेल भरो आंदोलन करके उन्हें मजबूर करेंगे। उन्होंने पुरानी पेंशन और अब की पेंशन में अंतर बताते हुए कहा कि हमें शेयर बाजार वाली इनकम नहीं पेंशन की गारंटी चाहिए, यदि सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी।